बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। जी तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो है चिकन शाशलिक, जो कि हम अवन में बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, हेल्दी फूड है। अगर आप डाइट प्लान कर रहे हैं तो फिर भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अदरवाइज आप वैसे नॉर्मल रूटीन में भी खाएं, बहुत ही अच्छी चीज़ बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। तो इसके अलावा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग वीडियोस को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, तो काइंडली सपोर्ट को जारी रखिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलें जी, आज की रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो चिकन शाशलिक रेडी करने के लिए हमारे पास जो इन्ग्रीडियंट्स हैं उनमें जो मेन इन्ग्रीडियंट है वो है चिकन बोनलेस, उसके अलावा ओलिव ऑयल और शिमला मिर्च है ग्रीन और रेड, उसके अलावा टमाटर हैं और अनियन है। टमाटर, अनियन और जो शिमला मिर्च है इनको हमने इस तरह से काट लेना है, ज़रा बड़ी शेप में रखना है क्योंकि इसको हमने बैम्बू स्क्यूअर्स जो है उनमें चिकन के साथ इसमें डालना है हमने। तो उसके अलावा जो टमाटर हैं उनका अंदर से मैंने जो गूदा है वो निकाल दिया था, तो वो भी ज़रा बड़े काटने हैं आपने ताकि वो अच्छी तरह उसके साथ चिकन के साथ स्क्यूअर्स पे आ जाएं। उसके अलावा हमने सोया सॉस, रेड सॉस और विनेगर लिया है हमने, उसके अलावा इसमें लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक है, और इसके साथ साथ हमने इसमें अदरक और लहसुन का जो पाउडर है वो यूज़ करना है। जी तो व्यूअर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इन सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हमने मिक्स करना है, एक बर्तन में हम डाल लेंगे। सबसे पहले चिकन डाल लिया, उसके बाद जो हमने अनियन रखे हुए थे वो डाल दिए, उसके बाद जो शिमला मिर्च है वो डाल दी, इनको हमने मैरिनेट करना है। जितना आप ज्यादा मैरिनेट करके रख देंगे उतना अच्छा है। इनको आप 1 से 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं, उसके अलावा आप इनको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जी तो जो स्पाइसेस हैं वो भी ऐड कर देंगे इसमें साथ ही। जो विनेगर और जो चिल्ली सॉस और सोया सॉस है वो भी अभी मैं साथ ही ऐड कर दूंगा इसमें। इसके अलावा जो 1-1 टीस्पून जो हमने अदरक और लहसुन का पाउडर है वो डाल लेना। इनको मैं अब मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगा। साथ में हमने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी इसमें डाल देना है, इससे ये है कि चिकन नरम रहेगा और अच्छी तरह पकेगा। जी तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया था और अब इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जी तो ये मैरिनेट हो चुका था, अब हम इसको जो है बैम्बू स्क्यूअर्स उसमें डाल लेंगे। तो इसमें ये है कि जब आपने बैम्बू स्क्यूअर्स जो हैं वो आपने जब रेडी करने हैं तो उसको आपने पानी में लाजमी भिगो के रखना है, एक कम से कम 1 घंटे के लिए, नहीं तो इसमें ये होता है कि इसको आग लग सकती है। जी चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें आप डिफरेंट अब इसको पैटर्न से आप इसको लगाते जाएं। आप देख सकते हैं कि चिकन बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैरिनेट हो गया है, बिल्कुल ऐसे जैसे गल गया है।
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कौन सा बर्तन यूज़ कर रहे हैं। और जो स्टिक्स हैं, कई बार जो बैम्बू स्क्यूअर्स हैं ये भी डिफरेंट साइज़ के होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि उसमें कितना आता है, तो आप उस हिसाब से इसको लगा सकते हैं। इसको अब हम पैन में रख लेंगे, जो बर्तन हमने अमन में रखना है। बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्दी चीज़ है ये भी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप इसको स्टीम पे भी बना सकते हैं, इजी है बनाना, मगर वो फिर किसी दिन हम ट्राई करेंगे, फिर किसी दिन आपको मैं बताऊंगा। आज का यही प्लान था कि आज हम इसको अवन में बनाएंगे। जस्ट 20 मिनट में बनने वाली चीज़ है। जी तो ये सेकंड हो गया। ये डिपेंड करता है कि आप जितने इसमें आपका जो बर्तन है उसमें आ सकते हैं, और ओवन के साइज पे भी डिपेंड करता है। तो ये मैं सारे जो है बना के तो इस ट्रे में रख लूँगा। जी तो आप देख सकते हैं, इनको मैंने बैम्बू स्क्यूअर्स जो हैं उनमें डाल लिया था। आप देख सकते हैं इनको मैंने एक ट्रे के अंदर रख लिया है। तो उसमें ये है कि आप फॉइल यूज़ करें या ना करें, मगर ये है कि मैं तो उसमें यूज़ करता हूँ। तो अभी जो है मैंने जो अवन है उसको प्री हीट पे लगा दिया था 15 मिनट के लिए, तो अब हम इसको अवन में रख देंगे। जी तो जो अवन है उसको मैंने 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए प्री हीट पे लगाया हुआ था, अब हम इसको अंदर रख देंगे। जी तो रख दिया है इसको मैंने अंदर। मैक्सिमम जो इसका टाइम है पकने का वो 20 मिनट्स है, तो हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद इसको देखेंगे, और इसका कलर वगैरह हम देखेंगे कि अगर कलर जो है वो कैसा बनता है। तो उम्मीद है कि ये 18 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। जी तो व्यूअर, इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट हुए थे, तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। उम्मीद है कि ये काफ़ी हद तक जो है ये गल चुका होगा। इसको अब हम निकाल लेंगे और इसकी देख सकते हैं कि कलर चेंज हो रहा है इसका। इसको अब हम निकाल लेंगे। जी तो इसको निकाल लिया है, काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं कि ये हो चुका है। अब इसकी मैं साइज चेंज करूँगा और इसको जो ग्रिल है उसको मैं ऑन कर दूँगा ताकि ये ड्राई भी हो जाए, इसमें जो थोड़ा बहुत स्टीम की वजह से पानी बना है वो भी खुश्क हो जाए। चेंज कर देंगे। जी तो अब इसको मैं दोबारा रख दूंगा, और अब जो इसकी पहले मैंने इसको ग्रिल के बगैर ही रखा हुआ था, उसका ये होता है कि ये जो स्टीम बनती है हाई टेम्परेचर की वजह से उसी पे वो बनता है। तो अब जो इसकी ग्रिल है मैं उसको ऑन कर दूंगा ताकि ये अच्छी तरह हो जाए, इसका कलर भी ठीक हो जाए, और इस पे जो थोड़ी बहुत स्टीम की वजह से पानी है वो भी ड्राई हो जाए। और अब मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लगेंगे तो इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। जी तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके थे, तो अब हम देखेंगे कि अब उम्मीद है कि ये हो गया होगा। जी तो ये हो गए हैं, अभी हम इसको निकाल लेंगे, इसको ऑफ कर देंगे। जी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी हो गए हैं चिकन शाशलिक, अब इसको सर्व कर देंगे। जी तो निकाल लेते हैं और इसको सर्व करते हैं।
जी, तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनी है, बहुत ही हेल्दी है। जी, तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप लोग लाजमी ट्राई करेंगे। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे बने हैं और आप लोगों ने ट्राई किया है या नहीं किया, और बाकी अपनी जो फीडबैक है उससे मुझे बताते रहा करें कि कैसी रेसिपीज़ बन रही हैं। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।